नमस्कार, दिन में की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं निष्ठा। शुरुआत हेडलाइन से। पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। अरुण जेटली लंबे समय से एम्स में भर्ती थे। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद शनिवार को अरुण जेटली ने 66 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। अरुण जेटली को बेहतर वक्ता और कुशल नेतृत्वकर्ता नेता के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक 4 मंजिला इमारत के भरभराकर जमीन दोस्त हो जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह घायल हैं। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। यह हादसा भिवंडी के शांति नगर इलाके में हुआ है, जहां गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग में कुछ परिवार रह रहे थे। बता दें कि पहले से इस बिल्डिंग के किसी भी समय गिरने की आशंका स्थानीय महानगर पालिका ने जताई थी। हादसे से पहले देर रात बिल्डिंग का कॉलम हिलने लगा था, इसके बाद इमारत में हंगामा मच गया था। इमारत पूरी तरह खाली होने से पहले ही हादसा हो गया। वहीं घटना को लेकर महानगर पालिका का दावा है कि उसने बिल्डिंग खाली करवा ली थी, लेकिन कुछ लोग बिना अनुमति लिए वापस बिल्डिंग में चले गए थे। इस बीच खाली होने से पहले ही इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। निगम अधिकारी, पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। लोगों को बचाने का काम जारी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। आने वाले उपचुनावों के मद्देनजर दोनों नेताओं की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात में आने वाले उपचुनाव और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव पार्टी के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चा हुई। यूपी की मेरठ पुलिस ने हिस्ट्री शीटर हाजी सईद को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस अपराधी को सोशल मीडिया की मदद से पकड़ा गया है। हाजी सईद शिमला घूम रहा था और याक पर बैठकर फोटो खिंचवा रहा था। ये तस्वीर वायरल हो गई और फिर पुलिस को लोकेशन पता चल गई। इसी के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तैयारी करते हुए पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने तेज बरसात के बीच आरजेडी का सदस्यता अभियान चलाया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान अब एक नई मुश्किल में फंसे नजर आ रहे हैं। उन पर 2000 से अधिक पेड़ कटवा देने का आरोप है। इससे पहले उन पर जमीनों पर कब्जे समेत अन्य कई आरोप लग चुके हैं। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी जमीन पर खड़े कत्थे के 2173 पेड़ कटवा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग पर हमला बोलते हुए चीन की ओर से नए शुल्क लगाने की योजना पर त्वरित जवाबी कार्रवाई का संकल्प लिया। ट्रंप ने कहा, हमें चीन की जरूरत नहीं है, अगर ईमानदारी से कहूं तो हम उनके बिना बहुत बेहतर होंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने सेना को अमेजन के जंगलों में लगी आग से निपटने में मदद करने के आदेश दिए हैं। बोल्सोनारो द्वारा जारी फरमान में प्रशासन को सीमाई आदिवासी और संरक्षित इलाकों में सेना की तैनाती करने के लिए कहा गया है।